अभी देखिए, अदानी वाला बहुत हो गया है, बहुत सारा पानी बह चुका है। अब सारी बात रह गई है कॉन्फिडेंस की, मार्केट बिल्डिंग की, भरोसा डेवलपमेंट की, और अदानी समूह इस वक्त यही करने की कोशिश कर रहा है। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट छपी है, कई अखबारों ने अपने यहाँ वो रिपोर्ट उठाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने मार्केट में वापसी करने का एक लंबा चौड़ा प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान तब आया है जब अडानी समूह को कुल मिलाकर 132 बिलियन डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है। रुपए में हम बात करें तो ये कीमत है 10,920 करोड़ की। ये नुकसान कैसे हुआ सबको पता है, नुकसान हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से, फिर जांच कमेंट वगैरह हुए, उसके बाद सब सामने आया, उसके बाद ही नुकसान हुआ और उसके बाद ही अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया। अब अडानी समूह कर क्या रहा है इसको पॉइंट्स में जान लेते हैं। अडानी समूह ने लोन का प्री पेमेंट शुरू कर दिया है, साथ ही तमाम उधारियों को समय से चुकाना भी शुरू कर दिया है ताकि देनदारों और बैंकों की गुड बुक्स में वो आ सके। मतलब यही कारण होना चाहिए ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। कंपनी के आला अधिकारियों ने विदेश में कंपनी के निवेशकों और बॉन्ड होल्डर्स के साथ मीटिंग शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक इन लोगों ने अडानी समूह में हाल फिलहाल के दिनों में 8 बिलियन डॉलर का निवेश किया था, लगभग 661 करोड़ का निवेश। अडानी समूह ने CNC नाम की कम्युनिकेशन फर्म के साथ साझेदारी की है। ये कंपनी करती क्या है, अंग्रेजी में कहें तो ग्लोबल स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, मतलब फाइनेंस के मार्केट में कंपनियों के लिए कंपनी संपर्क करती है, उनका रौला बनाती है, भौकाल बनाती है, उनके क्लाइंट्स और उनके निवेशकों के गुड बुक्स में आने के लिए बातचीत का चैनल ओपन करती है। अभी जो कंपनी है CNC, वो न्यूयॉर्क और म्यूनिख में अपना ऑफिस खोलकर बैठी हुई है और खबरों की माने तो एक खास कंपनी है, वो ऐसे केसेस हैंडल करने में महारती है जहां कंपनियों की हालत दुनिया जहां के सामने खराब हुई है। ताज़ा उदाहरण है 2019 में WeWork Inc. का, जहां इसी फर्म ने काम किया था। ऐसे केसों में महारती मतलब आप खुद ही समझ रहे हैं। CNC का यहाँ काम क्या होगा, निवेशकों का भरोसा जीतना, एक सूत्रीय काम यही सौंपा गया है। बस हिंडनबर्ग का मामला नहीं सौंपा गया है, उसके आसपास और जो भी आरोप लगे हैं इस कंपनी पर उसे संभालना है। सबके केंद्र में बिजनेस और पैसा है, ये बात समझिए। इसके अलावा अडानी ने कानूनी सलाह देने वाली कंपनी को भी साधा, इसका नाम है वॉचटेल लिप्टन रोजन एंड कैट्स, ये बताया फाइनेंशियल टाइम्स ने। इस कंपनी का हिसाब बेहद रोचक है, अमेरिका की सबसे महंगी लॉ कंपनियों में से एक है और लंबे समय से ऐसे केसों में कई कंपनियों को बचाती रही है जो अपने शेयर होल्डर्स की सक्रियता और पैनी निगाह की वजह से निशाने पर आती रही हैं। जानकार कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी अडानी ग्रुप के पास इतना पैसा है जो कानूनी सलाहकारों और PR फर्म पर न्यौछावर हो रहा है। अडानी में पैसा लगाने वाले निवेशक दो चीजों को ध्यान से देख रहे हैं, अडानी समूह का बहुत ऊंचा लेवरेज रेशियो और FPO वापस लेने के बाद अडानी समूह में कैश फ्लो पैदा करने की कितनी क्षमता बची है। अब अडानी समूह इन चीजों को एड्रेस करने की भी कोशिश कर रहा है। अडानी समूह का बॉन्ड रखने वालों को कंपनी की ओर से कॉल गई, कहा गया कि कंपनी अपने कर्ज में कटौती करने की तैयारी में है जिससे स्थिति को सुधारा जा सके। हाल ही में DB पावर वाली डील कैंसिल की गई है, अडानी पावर ने कैंसिल की, क्यों किया ऐसा, ताकि कंपनी कम खर्च करे और ज्यादा से ज्यादा कैश कंपनी बचा सके। क्या अडानी को अपने कुछ रिसोर्सेज बेचने पड़ेंगे, ऐसी बात रिपोर्ट में कही तो गई है। हांगकांग के नेटएक्सिस SA के सीनियर इकोनॉमिस्ट ट्रिन ग्विन ने कहा है कि अडानी समूह के पास कुछ बहुमूल्य एसेट मौजूद है, सवाल यह है कि अडानी समूह क्या उन एसेट्स को बेचना चाहेगा और बेचेगा ताकि और निवेशक जुटाए जा सकें। एसेट बेचने का मतलब ये कतई नहीं होता कि कंपनी की स्थिति बहुत खराब है, बेचकर खाने कमाने की कीमत पर काम करना पड़ रहा है, लेकिन कमाई की ख्वाहिश रखने वाली कंपनियां समय समय पर भरोसा जीतने और जताने के लिए ऐसे कदम उठाती रहती हैं। अडानी समूह के खर्चों का हिसाब कौन करेगा, हर जगह बात हो रही है कि अडानी समूह के खर्चों का हिसाब किया जाए, आरोपों की जांच हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खासकर अडानी मालिकाने वाले अंबुजा सीमेंट और अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा है कि कंपनी कुछ इंडिपेंडेंट फर्म्स को हायर करेगी जो कंपनी का काम धाम देखेंगी, नियमों कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं ये देखेंगी, हिसाब किताब देखेंगी, लेकिन अभी तक किसी फर्म की घोषणा नहीं हुई है, होगी तो वो भी आपको जरूर बताएंगे। जानकार मानते कि अगर कंपनी का ऑडिट एक बड़ी फर्म करती है तो लोगों की निगाह में मामला सही होगा, थोड़ी साख बढ़ेगी और जमेगी। गौतम अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित दोस्ती ये चर्चे होते रहे हैं, इसे ही लेकर बीते दिनों देश की संसद में बवाल हुआ, भाषण एक्सपंज हुए, नरेंद्र मोदी से विपक्ष ने अपने हिस्से के सवाल दागे। नरेंद्र मोदी ने इस सवाल के सीधे मुद्दे पर जवाब देने की जगह
विपक्ष के कथित भ्रष्टाचारों का जिक्र किया, उनके विवादों का जिक्र किया। ये विवाद अब भी जारी है। खबर एक और है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ संजीव चड्ढा ने कहा है कि वो अडानी को मुंबई के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए और धनराशि मुहैया कराने के बारे में सोच रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है, वो सोच रहा है कि अडानी को और पैसा दिया जाए। सारी बुरी खबरों के बीच एक ये भी खबर है कि ये था आज का खर्चा पानी, सिद्धांत मोहन ने लिखा था। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।